और ये शब्द ऐसा है जो नया है अभी बहुत से लोगों के लिए। देखिए, पॉडकास्टर बनना एक यूट्यूबर के तरीके का तो है, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं कि पॉडकास्टर बनने के लिए आपको अपना फेस नहीं दिखाना पड़ता है, आप अपनी सिर्फ वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और आसानी से एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा बड़ा महंगा सेटअप नहीं चाहिए। मतलब एक यूट्यूबर बनने के लिए हो सकता है कि आपको एक अच्छा DSLR कैमरा या फिर बहुत सी चीज़ें लगे, लेकिन पॉडकास्टर बनने के लिए एक आप सिंपल से माइक या फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से इसे रिकॉर्ड करना है ना, फ़ोन के माइक से, क्योंकि आजकल के जो फ़ोन हैं उनमें भी एक अच्छा माइक आ रहा है। अब देखिए, बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार ठीक है, मुझे पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल तरीके से करना चाहता हूँ। प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए सेटअप लगाओगे, थोड़ा बहुत खर्चा करोगे, है ना। अगर आपके पास बजट है तो कर सकते हो, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो अगर आपके पास बजट है। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। अब देखिए, मैंने स्टार्ट किया था 2019 में पॉडकास्ट, ठीक, और शुरुआत में मुझे लिसन नहीं मिल रहे थे। आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ लिसन ताकि मैं उसको कंटिन्यू करूँ, बट आई केप्ट डूइंग। मैं उसको करता गया क्योंकि मुझे एक चीज़ पता थी कि अगर मैं इसके लिए पैशनेट हूँ, अगर मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये जो पैसे वाली चीज़ है वो भी नहीं रोक सकती कि अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है फिर भी मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक। अब देखिए, मज़ा आपको आएगा जब आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें आप पैशनेट हो और आपको काम काम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको यहाँ मेंशन कर दूँ कि यूट्यूबिंग इसी चैनल पर जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, इस पर मैं फेल हो गया हूँ। मतलब ये चैनल बहुत पहले स्टार्ट किया था, ग्रो नहीं हुआ। आप देख रहे हो ना कितने व्यूज आ रहे हैं। तो आप समझो कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मुझे भी था कंटेंट क्रिएट करने का, लेकिन आई वॉज नॉट गुड इनफ कि उस तरीके का कंटेंट जो मुझे करना चाहिए था प्रोड्यूस, वैसा मैंने किया हो, नहीं कर पाया। क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी, बहुत सी प्रॉब्लम थी, जो जैसे कि एक बैकग्राउंड नॉइस ही एक बड़ा ही मतलब तगड़ा ही प्रॉब्लम था मेरे लिए। क्योंकि गांव में था, वहाँ पे ये तो चलता रहता है, वहाँ पे तुम किसको रोकोगे बताओ? तुम किसी को कहोगे अरे यार भाई हमको वीडियो रिकॉर्ड करना है, थोड़ी देर मोहल्ले वालों शांत बैठो, कर पाओगे क्या? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी की नहीं सुनता है। तो तुमको या तो एक अच्छी जगह चाहिए, तो तब या तो एक ये रीज़न मान लो, है ना, कि मैं कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाया। कभी कभी पता चला कि चिड़िया इडिया की आवाज़ तो चलो चलता है, लेकिन कभी कभी आपको अगर किसी भैंस की आवाज़ आ जाए तो आपको कैसा लगेगा कि यार यार ये कहाँ वीडियो, तबेले में वीडियो बना रहा क्या? मतलब समझ रहे हो ना, तो उस टाइप की सिचुएशन थी। लेकिन पॉडकास्टिंग ये ऐसी चीज़ थी कि उसमें देखिए चारों चीज़ें आपको नहीं देखनी है, आपको लाइट नहीं देखनी है, मतलब चेहरा नहीं दिखाना है। तो आप कहीं पे भी एक कोना ढूंढ सकते हैं जहाँ पे शांत हो और वहाँ पे जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं पॉडकास्ट। तो ये एक तो ईजी चीज़ ये है ना। आपके पास अगर ज़्यादा महंगा सेटअप नहीं है फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और प्लस पॉडकास्टिंग भी ग्रो हो रही है धीरे धीरे, है ना। इस पर भी, चूँकि अगर मैं अभी दिखाऊँ मैं करंट के लेसन, तो इधर देखना साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा, ठीक। तो देख लो कितने लेसन हो चुके हैं मेरे पॉडकास्ट पे। अब देखिए, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार पॉडकास्टिंग स्टार्ट तो मैं करूं, लेकिन किससे करूं, पेड तरीके से या फ्री तरीके से? तो भाई मेरे भाई, करना क्या है आपको कि अगर आपके पास बजट है एक पेड हॉस्टिंग के साथ जाने का, देन यू कैन गो, इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप फ्री से स्टार्ट करिए। फ्री के लिए एक ऐप है एंकर, मैं आपको उसका किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं उसका आई कार्ड दे दूंगा, इधर इधर या इधर देख लेना, ठीक। तो उस पर आपको पूरा सेटअप मतलब मैंने एक्सप्लेन किया, ट्यूटोरियल है पूरा, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करोगे Anchor FM पे, ठीक। तो वो एक अलग चीज़ हो गई। देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें जानना बहुत इजी है, आप YouTube पे सर्च करोगे जान जाओगे, लेकिन बात आती है एक्सपीरियंस की कि यार कंटिन्यू कैसे करें, कंटेंट कहाँ से लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट कैसे रिकॉर्ड करें। दिस इज़ द क्वेश्चन ना, दिस इज व्हाट यू
नीड टू अंडरस्टैंड, एक्चुअली आई वुड से नीड टू नो, ठीक, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? चूँकि देखिए पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, एक पॉडकास्ट के लिए आपके पास कोई टॉपिक था, आपने बोल दिया और हो गया, अब दूसरा कहाँ से लाऊँ, प्रॉब्लम तो यही है ना। तो वही प्रॉब्लम की हम यहाँ बात करेंगे। देखिए क्या है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, चूँकि मैं तो अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा था, मतलब यही बता रहा था कि मैंने क्या किया, मैंने क्या क्या चीज़ें ट्राई की, क्या फेल हुआ, क्या सक्सेस हुआ, आई वॉज जस्ट टॉकिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन ग्रेजुअली आई गॉट टू नो कि मुझे थोड़ा बहुत अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। अनकट मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मतलब बिना एडिट का, ठीक, जिसमें एडिटिंग नहीं मैंने की, ठीक, लेकिन फिर भी कुछ तो मतलब कंटेंट में और वैल्यू ऐड की जाए। सो दैट वॉज दैट वॉज द थिंग विच आई वॉज थिंकिंग इनिशियली। लेकिन फिर मुझे क्या लगा कि अगर मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, मतलब परफेक्शन की तरफ, तो हो सकता है कि मैं 2-3 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद थक जाऊँ, ये भी हो सकता है। देखिए दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, दो एस्पेक्ट हैं कि या तो आप परफेक्शन की ही तरफ भाग लो और या फिर एग्जीक्यूशन की तरफ भागो, और या फिर दोनों का बैलेंस लेके चलो। तो सबसे बढ़िया मेरा मतलब एक्सपीरियंस ये रहा कि ना तो आप परफेक्शन की तरफ भागो और ना ही आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी रिकॉर्ड करना चालू कर दो, वो भी शायद हो सकता कि आप अटेंशन ना ग्रैब कर पाओ दूसरे लोगों का। ये मेरे साथ हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ अपना। तो आपको क्या करना है, आपको बीच का रास्ता चुनना है, मतलब व्हाट यू नीड टू डू कि आप मतलब एक थोड़ा बहुत रिसर्च भी करें जिस टॉपिक पे बात करने वाले, और प्लस इतना भी परफेक्शन की तरफ ना भागे कि एक ही पॉडकास्ट को रिसर्च करने में 10 दिन 5-5 दिन लगा दे रहे हो, लगाओगे फिर आप दो में रिसर्च करने के बाद थक जाओगे। तो मतलब तगड़े तगड़े बड़े बड़े पॉइंट जो है उनको उठा लो और उन्हीं से चालू कर दो, और जब आपके 10-15-20 ऐसे हो जाएंगे तो आप देखोगे कि ग्रेजुअली आप भी इम्प्रूव हो रहे हो, आप इम्प्रूव भी हो रहे हो और प्लस आपके कंटेंट में क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि आपके बोलने का स्टाइल प्लस आपके कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत सी चीज़ें होती, या फिर आप फ्लैट भी बोलोगे इट्स ओके, चलेगा। क्योंकि शुरुआत में आप सिर्फ अपने आप को होन कर रहे हो, मतलब अपनी स्किल को निखार रहे हो, तो ये चलता है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैंने पॉडकास्ट जैसा कि बताया 2019 में स्टार्ट किया था, ठीक, और मैं कंटिन्यू पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता गया, तो इस समय मैंने सर 200+ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर दिए हैं और मुझे 1,14,000 इतने लिसन हो गए हैं, है ना। तो समझिए कि जब ऐसी चीज़ जो पॉडकास्टिंग शायद मुझे नहीं लगता कि सब लोग इस समय सुनते हैं, बहुत ही कम लोग हैं, ठीक, फिर भी मुझे 1,13,000-14,000 लिसन मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी है यार, यूट्यूब से तुम फाइट कर रहे हो, चूँकि इस समय डोमिनेट क्या कर रहा है, वीडियो, और वीडियो की जगह तुमने चूज़ किया है ऑडियो। तो यहाँ पे कुछ तो होगा कि आपको इतना लिसन मिला है ना, नहीं तो कुछ लोगों को इतना तो मिलता ही नहीं है, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, ओके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जब मैं ये चीज़ कर ही रहा हूँ, कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो यूट्यूब जो मेरा चैनल फेल हो गया था, मतलब जिसमें ग्रोथ जो थी वो रुक गई थी, उस पर मैंने फिर से कंटेंट डालना चालू किया, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब मेहनत कर ही रहा हूँ तो इस पर भी करता हूँ, ठीक है, सक्सेस मिले या ना मिले वो मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट क्या है कि मैं लोगों को वैल्यू दूँ, जो मैंने सीखा, जो भी मैंने पॉडकास्टिंग से एक्सपीरियंस किया, उसको एटलीस्ट मैं शेयर तो कर ही सकता हूँ, तो शायद किसी ना किसी को वैल्यू इसमें मिल जाए। सो मेरा जो पर्पज है वीडियो बनाने का, वो कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से ओवर हियर, ओके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि आपको यहाँ पे फ्यूचर में भी और वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यार भाई, शेयर कर दो और लाइक कर दो या कमेंट कर दो, कुछ फीडबैक दो, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेगा एक दूसरा वीडियो बनाने के लिए और बेहतर तरीके से बनाने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा है, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया कि अगर आपको लैपटॉप में पॉडकास्टिंग करनी, तो आपको चाहिए होगी एक सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं ऑडासिटी, ठीक, ये है एक सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज कर सकते हो पॉडकास्ट को एडिट करने के लिए, और उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जैसे कि वॉइस को
बेस बढ़ाने के लिए, अगर आपकी वॉइस पतली है तो उसमें बेस बढ़ा सकते हो। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उसमें कर सकते हो। ठीक, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।